एकदम सब एक साथ चलेगा। तो अभी करते हैं क्लिक, 1 2 3। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा पार्लाइट जो है एक रंग चल रहा है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोग थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा हर बार की तरह इस बार भी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम लैप्स करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारा हम नया जो वीडियो आता है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो मतलब जो लाइट जो है पार लाइट, उसको एक साथ एक रंग में पूरा एकदम गोल फ्रेम है उसमें ऐसे करके पूरा लाइट चलेगा, एक रंग में चलेगा, वो भी बिना डीएमएक्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बाकी सारा बात हम उधर कर लेते हैं और कुछ एक आध पॉइंट आएंगे आपको समझने वाली, वो आप वहां पे चलेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पूरे उधर लाइट फ्रेम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं साथ में। सो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये रहा हमारा लाइट फ्रेम और वहाँ जो है पार लाइट लगा हुआ है। और अभी हम इसमें जो है सॉकेट लगा के लाइन दे चुके हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा आ रहा है, कोड है। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हम पहले एक साथ कलर आपको हम चला के दिखा देते हैं सब एक रंग, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये एक रंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मेन पार लाइट, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अभी हम यहाँ एक क्लिक करेंगे और देन बूम हो जाएगा, एकदम सब एक साथ चलेगा। तो अभी करते हैं क्लिक, 1 2 3। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा पार लाइट जो है एक रंग चल रहा है। अब आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सारा का सारा पार लाइट जो है एक रंग चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक रंग कैसे हुआ उसके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो अभी जो है कैमरा को हम लाते हैं इस साइड और अपना फेस दिखा के आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि बैक साइड में देख सकते हैं, सारा पार लाइट जो है एक रंग चल रहा है, एकदम एक कलर में एक साथ चल रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो ये हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं। तो इसमें जो आप लोग ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है XLR पिन, इसका नाम XLR पिन होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इसको क्या कहते हैं, सारे पिन वगैरह का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसको क्या कहते हैं किसको क्या नहीं कहते हैं, तो ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है इसको एक साथ करने के लिए हमको लगता है ये XLR पिन और कुछ कोडिंग लगती है, पार लाइट में कोड करना पड़ता है तब पार लाइट एक साथ चलता है। तो सबसे पहले जो है वो पार लाइट का जो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है D0 65। तो 65 लिखा हुआ है और इसके बगल वाला हम देखते हैं, यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है D081। तो ये 65 और ये 81 ये क्या झोल है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको जो है एक साथ करने के लिए हमको करना पड़ता है D001, D0016 16+1, D0016 2×32+1, मतलब 16 का पहरा पढ़ते जाइए और एक एक प्लस करते जाइए। 16 का पहाड़ा पड़िए, 16 कम 16 प्लस 1 17, 16×32 प्लस 1 33, 16×43 40+1 49, ऐसे करके पूरा का पूरा कोडिंग करिए। आप लोगों को जैसे साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा पूरा D00 करके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा कोडिंग कर लीजिएगा। तो यही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ और मेन पॉइंट्स के बारे में। तो जब आप D001 मतलब उसका पूरा कोडिंग कर लेंगे, आप कितना भी चाहे लगा लीजिए, 100 पार लाइट 200 पार लाइट जितना भी चाहे आप लगा लीजिए, बस D00 और 16 का पहरा पढ़ते जाइए और एक उसमें प्लस करते जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है उसको करिएगा। और उसके बाद जो अगर आपने 50 पार लाइट लगाया है तो 25-25 का गैप करिएगा, अगर आपने 100 पार लाइट लगाया है तो 25-50-50 का गैप कर दीजिएगा, उसको पूरा गैपिंग कर दीजिएगा। और उसके बाद जो बीच में जो एक मेन पार लाइट आएगा उसको आप मेन्यू बटन जो होता है उसको टैप कर दीजिएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पार लाइट है, ये पार लाइट हमारा आप लोग देख सकते हैं, ये जो पार लाइट है ये अभी पार लाइट पूरा मेन है, इसमें से इसका हम अभी कुछ भी बटन टिपेंगे तो ये चलने लगेगा, सब एक साथ चलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब एक साथ चल रहा है। अभी हम कैमरा इस साइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, अभी हम इसको कुछ भी क्लिक करेंगे ये एक साथ चलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारा वो जो पार लाइट है वो हमारा मेन पार लाइट है, उसी से पूरा चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरा पार लाइट मतलब एक रंग में चल रहा है। तो अभी हम आप लोगों को थोड़ा प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो हमारा जैसे देख सकते हैं
ये पार लाइट जो है ये D001 है, ये पार लाइट है ये D0017 है, ये पार लाइट है ये D0033 है, आप लोग ठीक से देख लीजिए। और ये जो पार लाइट है ये D0049 है, मतलब बोले नहीं 16 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और एक एक प्लस करते जाइए। तो जैसे कि ये रहा एक, ये 16 + 16 प्लस 1 17, ये 16 × 32 प्लस 1 33, ये 16 × 48 प्लस 1 49, ये 16 × 64 प्लस 1 65, ये 16 × 85 और प्लस 1 81 हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता इसमें, बस आप लोग ये रखिएगा जो पिन जो है एकदम पूरा एकदम कंठस्थ रखिएगा, हल्का भी अर्थ नहीं लेना चाहिए वरना आपका पूरा का पूरा पार लाइट सत्यानाश हो जाएगा, एक साथ नहीं चलेगा। तो बस इसमें इतना ही रहता है और हमारा ये राउंड फ्रेम आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बताइएगा कमेंट में, ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टाटा गुड बाय।